नोएडा में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद चालान की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चालानों के निपटारे के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन में ई चालान केंद्र की शुरुआत की है, जहां पर चालान भुगतान के साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। दरअसल बढ़ते चालान संख्या और लोगों की सहूलियत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने केंद्र की शुरुआत की है, जहां लोग चालान संबंधी जानकारी लेने के साथ चालान का भुगतान भी कर सकेंगे। केंद्र पर सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि 3 से 4 ट्रैफिक के इंटीग्रेटेड मोबाइल केंद्र बनाने की योजना है, जिससे विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा टोल प्लाजा को भी इस योजना में शामिल किया गया है। देखिए, हम लोगों ने प्लान किया था कि शहर के अलग अलग केंद्रों में, जिसमें हमने टोल को भी शामिल किया था, वहाँ एक ऐसा केंद्र बनाया जहाँ एक साथ आप ट्रैफिक नियमों का के लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा है कि जो व्यक्ति को चालान संबंधी जानकारी चाहिए, अपने चालान को भुगतान करना है, ऐसा देखा गया है कि जो 14 का कार्यालय है, कई लोग आने में असमर्थ होते हैं, कई लोगों के लिए दूरी का एक मैटर रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जिसमें रोड सेफ्टी सेल के प्रभारी भी बैठेंगे और लोग अपने चालान संबंधी भुगतान कर सकते हैं,